Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. कांवड़ यात्रा के रूट पर खाने पीने की दुकानों पर उनके मालिकों का पूरा नाम लिखने के आदेश पर राजनीति अब तेज हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि मुजफ्फरनगर पुलिस का आदेश भारतीय संस्कृति पर हमला है। पवन खेड़ा ने इसे लेकर ये तक कह दिया कि ये मुसलमानों के आर्थिक बायकॉट की दिशा में उठाया गया एक कदम है, या दलितों के आर्थिक बायकॉट का, या दोनों का ही, उन्हें नहीं पता। उधर बीजेपी का कहना है कि धार्मिक यात्रा के दौरान हर एक को अपनी पसंद का भोजन चुनने का अधिकार होना चाहिए। कांग्रेस ने जोर देकर कहा कि इस आदेश के पीछे का मकसद ये पता करना है कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। ये भी हो सकता है कि ये पता करना हो कि दलित कौन है। साथियों, एक नया फरमान आया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, इनके मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। लेकिन हमने इसका कल जब विरोध किया तो जवाब आया, जब हलाल लिखा होता है तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। जब शुद्ध शाकाहारी ही लिखा होता है तब भी हम नहीं पूछते कि साहब ये शुद्ध शाकाहारी जिस रेस्टोरेंट के बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसका मालिक क्या हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख है, क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें शुद्ध शाकाहारी खाना है, हम जाकर खा लेते हैं। अब आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में कहीं ट्रैवल करते हैं, कोशर फूड, तो ज्यूस को मालूम है हमारे लिए कोशर फूड जिनको खाना है वो खा सकते हैं, वो पूछते तो नहीं है ना कि शेफ कौन है, ज्यू है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या हिंदू है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही मुझे, मैं शाकाहारी खाता हूं तो मेरे को ये नहीं पूछना उचित समझता कि बनाने वाला कौन है। ये करना जो ये कांवड़ यात्रा पे ये प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे, वो हिंदू के लिए करें हो, मुसलमानों के लिए करें हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। जिस तरह से अगर हिंदू मीट एक्सपोर्ट करता है तो रहती तो वो मीट ही है ना, या दाल चावल बन जाती है वो मीट ही रहेगा। ठीक उसी तरह से अगर कोई अल्ताफ या रशीद आम अमरूद बेच रहा है तो आम अमरूद ही रहेंगे, वो गोश्त नहीं बन जाएंगे। तो ये संघ वाले जो लोग हैं बिना सोचे समझे जब कुछ काम करते हैं तो फंस जाते हैं, पहली ही आर्गुमेंट में धाराशाही हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड पुलिस ने भी 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के दौरान होटल, ढाबा और खान पान से जुड़े ठेला संचालकों को अपनी पहचान बनाने के लिए कहा है। इसके तहत हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ, गंगोत्री और देहरादून में कांवड़ यात्रा रूट पर खाने पीने से जुड़े सभी व्यापारियों को अपनी दुकान के बाहर नाम और पते के बोर्ड लगाने होंगे।